तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है पेरिफेरल नर्व्स। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है कि पेरिफेरल नर्व्स होते हैं एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है, ये इंक्लोज्ड होते हैं कोलाजन बंडल्स में जिसको कहते हैं एंडोनीरियम। ये एंडोनीरियम टुगेदर बंडल्स बनाते हैं जिसको कहते हैं फैसिकुलस, और ये फैसिकुलस फाइब्रस टिश्यू पेरिनीरियम से बाउंडेड होते हैं, और पूरे के सारे फैसिकल्स आर बाउंडेड बाय एपिनीरियम। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखते हैं। 31 स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ठीक है, मिक्स्ड होती हैं जनरली, मोटर एंड सेंसरी एंड ऑटोनॉमस होती हैं, लिम्ब को सप्लाई करती हैं। ठीक है, अब हम मोटर इनोवेशन देखेंगे। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो मसल किस नर्व से सप्लाई हो रही है, डिफरेंट मसल सप्लाइड बाय डिफरेंट नर्व। ठीक है, सेंसरी इनोवेशन देखते हैं, हाइपोस्थेसिया हो जाता है उस एरिया में जहाँ पे भी सेंसरी नर्व चली जाती है। ठीक है, अ स्मॉल एरिया इज सप्लाइड एक्सक्लूसिवली बाय अ सिंगल नर्व एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑटोनॉमस जोन, जो हम आगे पढ़ेंगे। एनाटॉमिकल फीचर्स रिलेवेंट टू नर्व, ठीक है, रिलेशन टू सरफेस बोन फाइब्रस सेप्टा और रिलेशन कोर्स कैन फाइंड फेट्स फिक्सेशन एट पॉइंट अलोंग द कोर्स। अब देखो, नर्व डीजनरेशन होता है, जब नर्व होती है तो ये इसका डिस्टल पार्ट है, ये इसका प्रॉक्सिमल पार्ट है। तो डिस्टल पार्ट में एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं वोलेरियन डीजनरेशन। ठीक है, और इस साइड क्या होता है, क्रोमोलिसिस रिएक्शन होता है। तो उसमें क्या होता है कि स्टम्प फॉर्मेशन होता है, एक्सॉन ग्रो करते हैं। ठीक है, अगर एंडोन्यूरल ट्यूब इंटैक्ट है, श्वान सेंस इंटैक्ट है, तो फिर से रीइनोवेट कर सकता है ऑर्गन को। ठीक है, रेट ऑफ रिकवरी कितना है, 1 mm पर डे। ठीक है, जो मसल नियर होगी इंजरी के वो पहले रिकवर करेगी, और फिर बाद में प्रॉक्सिमल टू डिस्टल चलता है। ठीक है, पास वाली ज़्यादा पहले रिकवर करेगी फिर दूर करेगी, दिस इज नोन एज मोटर मार्च। ठीक है, अब कभी कभार क्या हो सकता है कि जो डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा है कि जो न्यूरोमा है, ठीक है, वो बन गया है पर वो जॉइन नहीं कर पा रहा है सामने वाली नर्व से, तो उसको एन्यूरोमा कहते हैं। तो देखो, न्यूरोमास क्या होते हैं, गट्ठे होते हैं नर्व्स के। तो इसमें एक होता है न्यूरोमा इन कॉन्टीन्यूटी, जिसमें जो हमारा एपिन्यूरियम है वो इंटैक्ट है, तो ये कॉन्टिन्यूस है। एन्यूरियम होता है जब बहुत ही वाइडली सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, और साइड एपिन्यूरियम होता है जब पार्शियल नर्व कट होता है। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी की बात करते हैं तो डायरेक्ट कट हो सकता है, लैसरेशन, इन्फेक्शन में वी हैव लेप्रसी। ठीक है, कंप्रेशन, ट्रैक्शन, फ्रिक्शन, शॉक वेव, कूलिंग, फ्रॉस्ट बाइट, थर्मल इंजरी, इलेक्ट्रिक शॉक, वोक्समैन इस्टीमिक कॉन्ट्रैक्चर। ठीक है, फिर रेडिएशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमारे यहाँ पे शॉर्ट नोट आया था कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व इंजरीज, तो इसको सेडेंस क्लासिफिकेशन कहते हैं, सेडेंस। न्यूरोप्रेक्सिया होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये है एक्सॉन, ये है एक्सॉन, ये क्या है चोकोर चीज़, ये है श्वान सेल्स, और इसके बाहर है एपिन्यूरियम। अगर एक्सॉन में कोई दिक्कत है, एक्सॉन में कट है, तो उसको न्यूरोप्रेक्सिया कहते हैं। अगर एक्सॉन के साथ जो हमारा ये वाला श्वान सेल है वो भी कट डैमेज है, तो उसको एक्सॉनोटोमेसिस कहते हैं। और अगर पूरा की पूरी नर्व कट हो रखी है तो उसको न्यूरोटोमेसिस कहते हैं। तो न्यूरोटोमेसिस सबसे सीवियर है और न्यूरोप्रेक्सिया सबसे सिंपल है। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल इंटरप्शन हो सकता है, एनाटॉमिकली नॉर्मल होगा, नो डीजनरेशन, न्यूरोमा नहीं बनेगा, 6 वीक्स में हील हो जाएगा। ठीक है, एक्सॉनोटोमेसिस में एक्सॉन्स ब्रोक होंगे, नर्व इंटैक्ट रहेगी, पर जो एपिड्यूरल नर्व है वो जो ट्यूब है वो इंटैक्ट रहेगी, प्रॉक्सिमेटली डिस्टली होगा। ठीक है, न्यूरोमा इन कॉन्टिन्यूटी बनेगा, रिकवर कर जाएगा, मोटर मार्च प्रेजेंट होता है। न्यूरोटोमेसिस में एक्सॉन और नर्व पूरी की पूरी ब्रोकन होती है, इसमें भी डीजेनरेशन होता है, एंड ये साइड न्यूरोमा होता है, इसकी रिकवरी पुअर होती है। ठीक है, तो सेडेंस क्लासिफिकेशन हो गया। फिर हम आते हैं डायग्नोसिस पे, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी नर्व इफेक्टेड है, कौन से लेवल पे इफेक्टेड है, कॉज क्या है। ठीक है, हिस्ट्री लेंगे, इनएबिलिटी टू मूव, मोस्टली वीकनेस होती है, मसल वीकनेस होती है और नंबनेस होती है। ठीक है, इन केस द कॉज इज ऑब्वियस, फॉर एग्जांपल कोई पेनिट्रेटिंग वूंड है, ठीक है, तो हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं कौन सी नर्व है। ठीक है,
फिर हम आते हैं एग्जामिनेशन विच नर्व इज अफेक्टेड. ठीक है, अब कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है, जैसे रिस्ट ड्रॉप है. रिस्ट ड्रॉप मतलब क्या होता है कि रिस्ट पाल्मर फ्रैक्चर में रहता है और डॉर्सी फ्रैक्चर का क्या हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी. रेडियल नर्व पाल्सिस में होता है. फुट ड्रॉप होता है, इसमें वीकनेस हो जाएगी डॉर्सी फ्लेक्सर्स की और फुट रिमेन्स इन प्लांटर फ्लेक्शन. ये होता है कॉमन पेरोनियल नर्व पाल्सिस में. विंगिंग ऑफ स्कैपुला, ठीक है, तो जो वर्टेब्रल बॉर्डर है स्कैपुला का प्रोमिनेंट बन जाता है जब पेशेंट पुश करता है बॉल को. ये होता है पैरालिसिस ऑफ एंटीरियर सीरेटस एंटीरियर मसल इन लॉन्ग थोरैसिक नर्व पाल्सी. ठीक है, क्लॉ हैंड होता है, इसमें क्या होगा, हाइपर एक्सटेंशन होगा मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट में, फ्लेक्शन होगा पीआईपी एंड डीआईपी जॉइंट्स में. ठीक है, पैरालिसिस हो जाता है लम्ब्राइकल्स का. ठीक है, इसलिए एमसीपी जॉइंट्स फ्लेक्स्ड होंगे और एक्सटेंडेड आईपी जॉइंट्स होंगे. पैराडॉक्सिकली, ठीक है, क्लॉइंग इज मोर मार्क्ड इन लो अल्नर नर्व पाल्सी देन इन हाई. और इसका रीज़न क्या है कि हमारे क्या होता है कि जो हमारी ये लम्ब्राइकल्स हैं तो ये फ्लेक्सिंग और एक्सटेंशन कराते हैं. इसके साथ एक और चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस. ठीक है, तो अल्नर नर्व डिजिटोरम प्रोफंडस को भी सप्लाई करती है. अब क्या होगा कि अगर हाई लेवल पे होगा, फॉर एग्जांपल ये नर्व है, ये हाथ है, अगर इंजरी रिस्ट लेवल पे होगी तो क्या होगा कि सिर्फ लम्ब्राइकल्स जाएंगी, प्रोफंडस इंटैक्ट रहेगी तो वो एडिशनल इफेक्ट डालेगी और क्लॉइंग ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी. अगर एल्बो लेवल पे या फिर आर्म लेवल पे इंजरी होगी तो जो डिजिटोरम प्रोफंडस है वो भी ख़राब हो जाएगी, तो कम क्लॉइंग होगी, मतलब कम क्लॉइंग होगी, एविडेंट होगी. ठीक है, अल्नर नर्व पाल्सी में ओनली मीडियल टू होती हैं, और अगर कंबाइंड मीडियल और अल्नर नर्व है तो चारों के चारों फिंगर्स होती हैं. एक थम डिफॉर्मिटी क्या होता है कि जो थम है वो सेम प्लेन में है एज रेस्ट, मतलब कि वो अडेक्टेड है, एक्सटर्नली रोटेटेड है, ओपोनेंस पॉलिसिस की वीकनेस की वजह से हुआ है पैरालिसिस, सॉरी. और ये क्या है, मीडियल नर्व पाल्सी. पॉइंटिंग इंडेक्स क्या होता है कि जब भी पेशेंट को बोलो फिस्ट बनाए तो उसकी इंडेक्स रिमेन स्ट्रेट रहती है. इसका मतलब क्या है कि जो डिजिटोरम है, लेटरल हाफ ऑफ द डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड लेटरल हाफ ऑफ द डिजिटोरम प्रोफंडस वो ख़राब हो गया, और ये हम देखते हैं मीडियल नर्व पाल्सी में. इसको पोप साइड भी कहते हैं. पुलिसमैन टिप, ये हमें पता है किस में होता है, इट्स योर ऑब्स पैरालिसिस. तो आर्म साइड में होगा, एक्सटेंडेड होगा एल्बो, फोर आर्म फुली प्रोनेटेड होगा क्योंकि इसमें अबडक्टर्स एंड एक्सटर्नल रोटेटर्स अलॉन्ग विद फ्लेक्सर्स एंड सुपिनेटर्स ऑफ एल्बो आर पैरालाइज्ड. वेस्टिंग ऑफ मसल भी होती है, कंपेयर करते हैं दोनों को. ठीक है, एक्सिलरी नर्व होगी तो हम मसल वेस्टिंग कहाँ मिलेगी, शोल्डर पे, डेल्टॉइड मसल. मीडियल नर्व है तो थेनार एमिनेंस, अल्नर नर्व है तो हाइपोथेनार एमिनेंस. ठीक है, अल्नर नर्व है तो हॉलोइंग हो जाती है बिटवीन द मेटाकार्पल्स. थाई वेस्टिंग है तो फेमोरल नर्व, और काफ वेस्टिंग है तो शियाटिक नर्व. ठीक है, स्किन ड्राई बन जाएगी, वहाँ पे स्वेटिंग नहीं होगी क्योंकि सिंपथेटिक नर्व्स नहीं है. ठीक है, वीसोमोटर चेंजेस आएंगे, पेलर साइनोसिस या फिर एक्सेसिव स्वेटिंग्स हो सकती है अगर पार्शियल लीजन है. टेम्परेचर कोल्डर रहेगा. ठीक है, फिर सेंसेशंस चली जाएंगी, रिफ्लेक्सेस एब्सेंट होंगे इन केस ऑफ पेरिफेरल नर्व इंजरीज. स्वेट टेस्ट करते हैं टू डिटेक्ट पेरिफेरल सिंपथेटिक फंक्शन इन द स्किन सप्लाइड बाय द नर्व. मोस्ट रेजिस्टेंट होता है टू मैकेनिकल ट्रॉमा, नेन हाइड्रिन या फिर स्टार्च टेस्ट करते हैं. मोटर एग्जामिनेशन करते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट होती है रेडियल नर्व क्योंकि सबसे कॉमनली इंजर्ड होती है. ठीक है, तो ये पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस की कॉन्टिन्यूएशन में होती है. ये ब्रांच देती है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स को. अब ये आर्म में आ गई. ठीक है, तो हम ऐसे एक डायग्राम बनाते हैं कि ये है हमारी रेडियल नर्व, ये ब्रेकियल प्लेक्सस की पोस्टीरियर कॉर्ड है, इसने ऊपर ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड को वो दिया, एक ब्रांच दी. जब ये आर्म में आएगी तब ये पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म देगी, तो वहाँ पे हाइपरेस्थीसिया हो जाएगा और ब्रांच देगी मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स को. फिर ये ग्रूव में आएगी, बाइंड करेगी और फिर लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, मतलब तीनों हेड ऑफ ट्राइसेप्स को सप्लाई करेगी और एंकोनियस मसल को सप्लाई करेगी, एंकोनियस मसल. एंड क्यूटेनियस ब्रांचेस देगी आर्म्स एंड फोर आर्म को. और पोस्टीरियर क्या बना रही थी, पोस्टीरियर
सॉरी कहाँ गया, शायद वो मैंने गलत पढ़ लिया था, सॉरी ये पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। ठीक है, फिर ये क्या करेगी, लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पेयर्स करके मिडल 1/3 ऑफ द आर्म में आ जाएगी। ठीक है, डिस्टल 1/3 में एंटीरियर कंपार्टमेंट में होगी और ये ब्रेकियालिस मसल के मीडियली होगी और ब्रेकियो रेडियालिस एंड एक्सटेंसर कार्पल लॉन्गस के साइड में होगी। तो आपको याद है कि MBBS करके एक निमोनिक होता था, तो इसमें ये सुपरफिशियल रेडियल नर्व है। ठीक है, तो इसमें हमने ये देख लिया। फिर बिफोर इट क्रॉसेस द एल्बो, ठीक है, दो ब्रांचेस देती है, सुपरफिशियल ब्रांच होती है जो आर्टरी के अलॉन्ग रन करती है और एक डीप ब्रांच होती है जो मोटर होती है, और ये सुपरफिशियल ब्रांच सेंसरी होती है। ठीक है, ये ब्रांच किसको देगी, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस एंड सुपिनेटर को ब्रांच देगी। ठीक है, इट देन पियर्सेस द सुपिनेटर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की पोस्टीरियर इंटरोस्टियस नर्व देगी और सारे एक्सटेंसर्स ऑफ द फोरआर्म को सप्लाई करेगी। ठीक है, तो अगर रेडियल ग्रूव से पहले होता है तो लॉन्ग एंड मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स चला जाएगा और बाकी सारा नीचे का। अगर बिफोर क्रॉसिंग द एल्बो होता है तो सारी ट्राइसेप्स चली जाएगी और एंकोनियस चली जाएगी। बिफोर पियर्सिंग द सुपिनेटर तो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस एंड सुपिनेटर जाएगी, और अगर सुपिनेटर को भी पियर्स करके तब खराब होगी तो फोरआर्म में आ जाएगी, फोरआर्म और हैंड की मसल्स चले जाएंगी। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। एक होता है वेरी हाई रेडियल नर्व पाल्सी, वो होता है रेडियल ग्रूव में, और वेरी लो सॉरी लो रेडियल नर्व पाल्सी वो होता है डिस्टल आर्म में। ठीक है, तो ऊपर का जो आर्म है वो स्पेयर होता है लो रेडियल नर्व पाल्सी में, नीचे का खराब होता है। ठीक है, ट्राइसेप्स है, पेशेंट को बोलेंगे एक्सटेंड करो एल्बो, वो नहीं कर पाएगा रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। ब्रेकियो रेडियालिस है तो हम क्या करेंगे, मिड प्रोन पोजिशन में रखेंगे और उसके अगेंस्ट बोलेंगे फ्लेक्स करो हैंड को, तो नहीं कर पाएगा। रिस्ट को बोलेंगे एक्सटेंड करके दिखाओ, रिस्ट ड्रॉप होगा, नहीं कर पाएगा। एक्सटेंसर जिडिटोरम से हम चाहेंगे एक्सटेंशन हो मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स पे, वो नहीं कर पाएगा, तो फिंगर ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो फिर इसमें एक्सटेंशन ऑफ फिंगर्स पे कोई वो नहीं होगा, लम्ब्राइकल्स वोंट बी अफेक्टेड। ठीक है, तो MCP जॉइंट पे होगा, IP जॉइंट्स पे नहीं होगा। ठीक है, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट चला जाएगा तो थंब को एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं मीडियन ऑफ पाल्सी में। ठीक है, ये लेटरल और मीडियल कॉर्ड को मर्ज करके बनती है। ठीक है, ये ब्रेकियल आर्टरी के साथ रहती है। इसका कोर्स कैसा है फोरआर्म में, पहले तो ये SI, ये दो हेड होते हैं प्रोनेटर टीडीज के। ठीक है, इट देन पासिस डीप टू द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ठीक है, और कैसे सप्लाई करती है, एक तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को करती है एंड लैटरल हाफ ऑफ डिजिटोरम सॉरी सुपरफिशियालिस, सुपरफिशियालिस के नीचे आ जाएगी प्रोनेटर टीडीज के दो हेड्स के बीच में। इसमें ट्रैप भी हो सकती है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस के नीचे और प्रोफंडस के ऊपर रहेगी। जैसे ही ये रिस्ट पे आएगी, ठीक है, तो ये क्या करेगी, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे निकल जाएगी। ठीक है, और ये सारी मसल्स को सप्लाई करेंगी झनार की, क्या होगी, अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, ओपोनेंस पॉलिसिस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। ठीक है, फिर ये क्या करेंगी, डिजिटल सप्लाई देंगी जो हमारी वो है सेंसरी सप्लाई देंगी, और फर्स्ट एंड सेकेंड लम्ब्राइकल्स को सप्लाई करेंगी जो हमने ये ऊपर डायग्राम देखा था। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि रेडियल बैक को सप्लाई करता है, मीडियन किसको सप्लाई करता है, इस पार्ट को। ठीक है, इस पार्ट को सप्लाई करता है और नेल बेड्स को भी सप्लाई करता है। जो अल्नर है वो डिस्टल 1.5 को सप्लाई करता है और पीछे के पार्ट को भी सप्लाई करता है, मतलब जो नेल बेड है, और रेडियल जो है बाकी ये वाला एरिया सप्लाई करता है। ठीक है, और अल्नर बैक ऑफ द हैंड में भी कितना करता है, हाफ, और रेडियल भी हाफ हैंड को करता है। फिर हम वापस से उसी जगह चलते हैं जहाँ से हम आए थे।
अभी टाइम है ख़त्म होने में, ठीक है। तो अब अगेन मीडियन नर्व जो इंजरी हो सकती है ये हाई हो सकती है, लो हो सकती है, ठीक है। पैरालिसिस अगर हाई है, अगर प्रॉक्सिमल टू एल्बो है और डिस्टल 1/3 ऑफ आर्म है तो उसमें होगा, फोरआर्म की मसल्स स्पेयर हो जाएंगी। आर्म में कुछ नहीं देता, फोरआर्म में फ्लेक्सर्स को सप्लाई करते हैं एक्सेप्ट फॉर फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस एंड मीडियन हाफ ऑफ फ्लेक्सर प्रोफंडस, वो भी प्रॉक्सिमल 1/3 में, डिस्टल 1/3 में नहीं करता है। हैंड में थिनार मसल्स एंड फर्स्ट लम्ब्रैकल्स को करता है, ठीक है। अडक्टर पॉलिसिस भी होती है, बट दैट इज़ नॉट सप्लाइड बाई मीडियन नर्व, दैट इज सप्लाइड बाई द अल्नर नर्व, ठीक है। फिर यही हो गया कि फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस है तो वो अपने प्रॉक्सिमल जो टर्मिनल फैलिंग से उसको फ्लेक्स नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसकी पॉइंटिंग इंडेक्स होगी जब हम उसको बोलेंगे फिस्ट बनाने को, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस होगी तो फ्लेक्शन नहीं कर पाएगा एट रिस्ट जॉइंट, पाल्म में फ्लेक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। हाइपोथेनार एमिनेंस लूज हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस काम नहीं करेगी, ठीक है। तो एप थंब डिफॉर्मिटी हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है कि हम बोलेंगे पेशेंट को कि पेन इज हेल्ड अबव द पेशेंट और उसको बोलते हैं कि पेन को टच करो विद द टिप ऑफ द थंब, तो इसको क्या कहते हैं, पेन टेस्ट करते हैं, और वो ऐसा नहीं कर पाएगा, ठीक है। ओपोनेंट्स पॉलिसिस होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, अपोज करना टिप्स पे। तो हम क्या करेंगे, ये होता है पेन टेस्ट, ठीक है। हम बोलेंगे उसको टिप से टच करो, वो नहीं कर पाएगा, वो अपना हैंड को अब्रक नहीं कर पाएगा। फिर ऑपोजिशन में क्या करेंगे कि हम एक पेपर लेंगे और उसको थंब के बीच में डाल देंगे, अगर वो उसको रोक पा रहा है, रख पा रहा है तो ठीक है, वरना नहीं कर पा रहा है, मतलब ऑपोजिशन चला जाएगा। फिर अल्नर नर्व होती है, ये मीडियल कॉर्ड से आती है, ठीक है। ये मीडियल साइड होती है एक्सिलरी आर्टरी के, ठीक है। मीडियल 1/3 मतलब ये ऐसा ही आप में, इसमें मीडियल इंटर मस्कुलर सेप्टम को पेस किया, रेडियल ने लेटरल को किया था, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में आई, फिर सुपरफिशियल बनी, एल्बो तक गई, मीडियल एपिकॉन्डाइल पे आई। अब देखो यूमरस है, ये इसका मीडियल एपिकॉन्डाइल है, अगर मीडियल एपिकॉन्डाइल में फ्रैक्चर होता है तो अल्नर नर्व इंजर हो जाती है। फोरआर्म में आएगी, दो हेड ऑफ कार्पल फ्लेक्सर कार्पल नारिस के बीच में आएगी और उनके बीच में क्या हो सकती है, ट्रैप हो सकती है। फिर हमें पता है कि डिजिटोरम प्रोफंडस के अब मीडियल हाफ को सप्लाई करेगी, अल्नर वेसल्स के साथ जाएगी, ठीक है। फिर ये फ्लेक्सर रेटिना कलम के ऊपर से जाएगी एंड जस्ट लेटरल टू द पेसिफॉर्म, ठीक है। इसकी वोक्समैन कैनाल, सॉरी इसकी अपनी खुद की अलग से कैनाल होती है, ठीक है। वेरियस मसल्स आर सप्लाई, हाई नर्व पाल्सी, अच्छा हाँ, हैंड में किसको सप्लाई करेंगी, सारी इंटरोशिया एंड मीडियल टू लम्ब्रैकल्स, ठीक है, एंड अडक्टर पॉलिसिस ऑल्सो। तो हाई नर्व पाल्सी है एल्बो से पहले, ठीक है, और लोअर नर्व पाल्सी है डिस्टल 1/3 ऑफ फोरआर्म, तो उसमें फोरआर्म स्पेयर हो जाएगा पर मसल के हैंड चल जाएंगे, सेंसरी डेफिसिट सेम रहेगा। फ्लेक्सर लाइक अल्नारिस होगा तो फ्लेक्स नहीं कर पाएगा रिस्ट को, ठीक है। फिर अबडक्टर डिजिटी मिनिमम को भी नहीं कर पाएगा तो उसमें रेजिस्टेंस नहीं होगी, इंटरोशाय को नहीं कर पाएगा तो हमें इसमें इगावा टेस्ट करते हैं और कार्ट टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं इगावा टेस्ट में क्या होता है, इगावा टेस्ट में क्या होता है कि जो डॉर्सल इंट्रोशिया है ऑफ द मिडल फिंगर उसको ऐसे फ्लैट रखना है और पेशेंट को बोलना है कि अपने मिडल फिंगर को साइडवेज खोलो, मतलब आज टू मूव हिज फिंगर साइडवेज, जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है इंट्रोशिया अबडक्टर्स होती है ना, तो हैंड को टेबल पे रखो, पाल्मर सरफेस डाउन रखो, पेशेंट को बोलो कि अपनी मिडिल फिंगर को साइडवेज मूव करे, वो नहीं कर पाएगा क्योंकि अबडक्शन पॉसिबल नहीं है। कार्ड टेस्ट आप देख सकते हैं कि बीच में हमने एक पीस ऑफ पेपर डाल दिया और अगर वो उसको नहीं होल्ड कर पा रहा है, उसको बोलेंगे एज टाइटली एज पॉसिबल होल्ड करो, अगर वो नहीं कर पा रहा है और उसको पुल हो पा रहा है कार्ड, मतलब कि जो इंट्रोशिया है वो जा चुके हैं, ठीक है। पैड और डैब करके निमोनिक होता है, प्रॉक्सिमल सॉरी पाल्मर इंट्रोशिया आपका क्या कराते हैं, पैड एंड डैब अबडक्शन कराते हैं और डॉर्सल इंट्रोशिया आपका अबडक्शन कराते हैं, अबडक्शन। लम्ब्रैकल्स होते हैं मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स में,
अबडक्टर पॉलिसिस होती है तो अबडक्ट नहीं कर पाएगा, तो हम उसमें फ्रॉमिंस टेस्ट कराते हैं, बुक टेस्ट है। तो हम उसको बोलेंगे कि जितना हो सके उतना प्रेस करो बुक को, अगर हम उससे बुक खींचने की कोशिश करेंगे तो अगर वो खिंच जाती है तो इसका मतलब कि वो साइन नहीं दिखा पा रहा है। एक्सेसरी नर्व होती है, ट्रेपेजियस को सप्लाई करती है। हम इसमें क्या करेंगे, शोल्डर को अगेंस्ट रेजिस्टेंस एलिवेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर लॉन्ग थोरैसिक नर्व होती है, एक्सिलरी नर्व होती है। एक्सिलरी नर्व किस किस को सप्लाई करती है, दो मसल्स को सप्लाई करती है, डेल्टॉइड एंड टीडीस माइनर को सप्लाई करती है। ये हो गया विंगिंग ऑफ स्कैपुला। शियाटिक नर्व है, शियाटिक नर्व के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है टीबियल और एक होता है कॉमन पेरोनियल, ठीक है। कॉमन पेरोनियल फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड होती है, और क्यों होती है, क्योंकि ये नेक ऑफ फिबुला के अराउंड पास करती है, ठीक है। तो कॉमन पेरोनियल नर्व सप्लाईज द एक्सटेंसर्स एंड द इवर्टर्स ऑफ द फुट। अगर ऐसा होगा तो फुट ड्रॉप हो जाएगा और कैसी होगी, हाई स्टेपिंग गेट होगी, ठीक है। तो फुट हमेशा ऊपर ही रहेगा इन ऑर्डर टू क्लियर द ग्राउंड, एंड प्लांटर फ्लेक्सेस आर नॉर्मल, ठीक है। तो फुट कैसा होगा, इन्वर्टेड एंड फ्लेक्स। टिबियल नर्व क्या होती है, प्लांटर फ्लेक्स प्लांटर्स को सप्लाई करती है। तो वीकनेस हो जाएगी इस मसल की, तो अगर हम उसको फ्लेक्स करने को बोलेंगे, प्लांटर फ्लेक्स बोलेंगे, इसका एंकल और टोस को तो नहीं कर पाएगा। फंक्शन ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल्स जो होती है हमारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में, वो भी शियाटिक नर्व से भी होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, नी को फ्लेक्स करेंगे अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। कॉज ऑफ इंजरी क्या हो सकती है, हमने ऊपर पढ़ लिया था। टाइप ऑफ इंजरी, सीरांस क्लासिफिकेशन। फिर हम आते हैं साइन ऑफ रीजेनरेशन में। तो इसमें एक होता है टिनल साइन। टिनल साइन क्या होता है कि हम डिस्टली, फॉर एग्जांपल ये हाथ है, पहले मैंने अगर कहीं पे भी न्यूरोमा फॉर्मेशन है और मैं उसको टच कर दूँ तो पेन होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ टच किया तो यहाँ पेन था, मतलब यहाँ न्यूरोमा बन गया। फिर अगले हफ्ते मैंने यहाँ टच किया और यहाँ पेन हो रहा है, फिर न्यूरोमा बन रहा है, मतलब कि यहाँ पे भी न्यूरोमा बन रहा है। इसका मतलब है कि जो हमारी नर्व है वो ग्रो कर रही है, ठीक है। फिर मोटर एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि उस मसल का एक्ट करके देखा, अगर वो नहीं कर पा रही है तो मसल रिकवर नहीं किया। फिर इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी कर सकते हैं, नॉर्मल मसल कोई कॉन्ट्रैक्ट पे कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिखाएगी, और वॉलंट्री कॉन्ट्रैक्शन में एक्शन पोटेंशियल दिखाएगी, ठीक है। ये देखो, इन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन इम्पल्स ऑफ मोटर फायरिंग साइमल्टेनियसली आर सुपर इम्पोज गिविंग इंटरफेरेंस पैटर्न। और डिनर्वेटेड में डिनर्वेटेड पोटेंशियल मिलता है। डिनर्वेटेड मसल मतलब कि उसमें वो नर्व की सप्लाई नहीं है, डिनर्वेशन पोटेंशियल प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें टाइम लगता है, सेकेंड भी मतलब ठीक होने में इसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी क्यों करते हैं, कि नर्व में इंजरी है कि नहीं, या फिर कंप्लीट या फिर इनकम्प्लीट नर्व इंजरी है। तो क्या होगा, विद इन वीक्स जब जब हम इसको करेंगे तो ठीक होने लगेगा, वेदर रीजेनरेशन इज अकरिंग और लेवल ऑफ इंजरी क्या है, ठीक है। स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व होता है, फिर हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं स्ट्रेंथ इनोवेशन कर्व। तो ए होता है हमारा नर्व का कर्व, बी होता है मसल का कर्व, और सी होता है पार्शियल डीनर्वेशन। तो आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो घटती जा रही है वोल्ट्स में, मतलब कि जितना हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं तो ज़्यादा रिस्पांस आ रहे हैं जब हम अर्ली जल्दी कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं स्टिमुलस को, और बाद में रिस्पांस कम होता जा रहा है। नर्व कंडक्शन स्टडीज हो गई, ठीक है। अब मेन पार्ट आता है हमारा ट्रीटमेंट का। इन फ्रेश इंजरीज जनरल कंडीशन को इवेलुएट करना है, ठीक है। जॉइंट को रिपेयर करना है, आर्टरी को रिपेयर करना है, बोन को रिपेयर करना है। ट्रीटमेंट कैन बी कंजर्वेटिव और ऑपरेटिव फॉर नर्व। कंजर्वेटिव हैज गुड हील, ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाती है। ये अलोन भी काफ़ी है, ऑपरेटिव मेथड्स भी कर सकते हैं, पर सिलेक्टेड केसेस में ऑपरेटिव मेथड करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्प्लिंटेज कर देंगे जो पैरालाइज लिम है, ठीक है। तो इन विच पोजिशन दैट, ऐसे पोजिशन में हम स्पेन करेंगे कि मसल रिलैक्स रहे। प्रिजर्व द मोबिलिटी ऑफ द जॉइंट एंड केयर ऑफ द स्किन एंड नेल्स, ठीक है, क्योंकि एनेस्थीसिया ट्रॉमा से उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। एक्सिलरी में एरोप्लेन स्प्लिंट होता है,
रेडियल में कॉकअप स्प्लिंट होता है, अल्नर में नकल बेंडर स्प्लिंट होता है, शियाटिक या कॉमन पेरोनियल में फुट ड्रॉप स्प्लिंट होता है। ठीक है, प्रेशर बर्न सोर्स, ट्रॉफिक अल्सर्स बन जाए तो ये कर सकते हैं, तो उसका केयर रखना है। फिजियोथेरेपी करनी है, मसाज करना है, पैसिव एक्सटेंशन करना है, रिकवरी करनी है मसल्स की, ठीक है, और टोन को वापस लेकर आना है, और रिलीफ पेन के लिए एनाल्जेसिक्स देना है। ऑपरेटिव में हम क्या कर सकते हैं, नर्व रिपेयर कर सकते हैं। एक होता है प्राइमरी रिपेयर और एक होता है सेकेंडरी रिपेयर। प्राइमरी रिपेयर में हम क्या करेंगे, अगर जल्दी से जल्दी पेशेंट आ गया तो हम फाइन सूचर्स कर देंगे, ठीक है। अगर वुंड कंटेमिनेटेड है तो हम पेशेंट लेट आता है तो हम डिलेड प्राइमरी रिपेयर कर सकते हैं। वुंड को डिब्राइड करेंगे, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट करेंगे सूचर्स को, फिर आफ्टर 2 वीक्स जब हील कर जाएगा वुंड तब हम डेफिनेटिव रिपेयर यानी कि सूचरिंग कर देंगे, ठीक है, ओके। देन सेकेंडरी रिपेयर होता है अगर प्रेजेंट आफ्टर सम टाइम एंड मिस अदर टाइम ऑफ इंजरी, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रीट देम फॉर अर्ली फॉर रीजन और ड्यू टू पुअर कंडीशन ऑफ पेशेंट। सिंड्रोम ऑफ इनकम्प्लीट इंटरप्शन, इफ 6 हफ्ते में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा और सेकेंडरी नर्व रिपेयर करना पड़ेगा। सिंड्रोम ऑफ इरिटेशन होता है समटाइम्स, अगर नर्व साइंस इरिटेट हो रहे हैं तो हमें फिर से उसको एक्सप्लोर करके रिपेयर करना पड़ेगा। फेलियर ऑफ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, ठीक है, अगर 3 हफ्ते के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आती तो इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक स्टडीज करनी पड़ती है। टेक्निक्स क्या हो सकती है, एंड टू एंड सूचर हो सकते हैं या फिर नर्व ग्राफ्ट कर सकते हैं। एंड टू एंड सूचर में हम एपिन्यूरम को स्टिच कर सकते हैं, एपिन्यूरम पेरिन्यूरम को स्टिच कर सकते हैं, पेरिन्यूरम सूचर कर सकते हैं या फिर ग्रुप फैसिकुलर रिपेयर कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे हमने इसको कवर किया है, ओके। मोबिलाइजेशन करेंगे नर्व का ऑन बोथ द साइड, ठीक है, फिर जॉइंट को ऐसे पोजिशन में रखेंगे कि वो रिलैक्स रहे, कोर्स ऑफ नर्व को लेकर आएंगे, ऑल्टर कर देंगे सो दैट वो आप फिर से डैमेज ना हो, ठीक है। स्ट्रिपिंग द ब्रांचेस फ्रॉम द पेरियन नर्व विदाउट टेयरिंग देम, और जो अनइम्पॉर्टेंट ब्रांचेस है उनको सैक्रिफाइस कर दो। नर्व ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। न्यूरोलिसिस क्या होता है, इट इज़ अ टर्म व्हेन ऑपरेशन वेयर नर्व इज फ्री फ्रॉम द एनवेलपिंग स्कार, यानी कि पेरीन्यूरल फाइब्रोसिस, या फिर इसको कहते हैं एक्सटर्नल न्यूरोलाइसिस। तो नर्व शीट को लॉन्गिट्यूडनली डायसेक्ट कर देंगे सो दैट प्रेशर ऑन फाइब्रस शीट का जो प्रेशर है नर्व पे वो रिलीफ हो जाए, ठीक है, और इसको हम कहते हैं इंटरनल न्यूरोलाइसिस। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कर सकते हैं अगर 18 महीने के बाद भी कोई होप नहीं होती है, ठीक है। तो हम इस फ्लो चार्ट पे आते हैं, हमें नर्व इंजर्ड है, हमें क्या इसका नेचर पता है। अगर हमें पता है तो हमें क्या पता है कि नर्व कॉन्टिन्यूटी में, तो 6 हफ्ते वेट करो, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करो। अगर एक्टिविटी वापस आ जाती है, रिकवरी हो जाती है, 1-3 मंथ फॉलो करो, प्रोग्रेसिव रिकवरी हो जाएगी, फुल रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। अगर एक्टिविटी वापस नहीं होती है तो इलेक्ट्रोमायोग्राफिक स्टडीज़ करो, ठीक है। हम उसमें क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर कोई मोटर और सेंसरी एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है, फिर इलेक्ट्रोमायोग्राफी करेंगे तो उसमें पोटेंशियल मिलेगा। फिर हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी फिर से करेंगे, कंडक्शन नॉर्मल होगा या फिर अबव होगा, ठीक है, और ये वाले में नॉर्मल होगा, ठीक है। तो हम क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, फिब्रिलेशन पोटेंशियल, पॉजिटिव शार्प वेव्स एंड वॉलेंट्री मेजर पोटेंशियल। अगर फॉलोअप करने के बाद कोई प्रोग्रेस नहीं है तो फिर से इलेक्ट्रिकल स्टडीज करनी है। अब देखो, अगर नर्व कॉन्टिन्यूटी में नहीं है उसको रिपेयर करना है और फिर वेट करना है, अगर वो ठीक हो जाता है तो ठीक है, वरना रीएनोवेट करना है। अगर हमें पता नहीं कि लीजन किस ओरिजिन का है तो इलेक्ट्रिकल स्टडीज करनी है, ठीक है। अगर कोई सेंसेशन नहीं है मोटर या फिर वो, तो उसको ओपन एक्सप्लोर करके रिपेयर कर देना है, ठीक है। नंबर ऑफ VMPs मतलब पोटेंशियल है, ठीक है, तो एक्सपेक्ट फर्दर रिटर्न, ठीक है, हो सकता है कि और रिटर्न हो। अब इसमें क्या है कि सेंसरी और नर्व कंडक्शन है पर बिलो मिनिमम है, तो हो सकता है फुल रिटर्न हो जाए। और अनलेस पेशेंट इज टिकल्ड कोई प्रॉब्लम नहीं है, NCV नॉर्मल है, मतलब पोटेंशियल प्रॉपरली प्रेजेंट है, तो पेशेंट नॉर्मल है और उसको कोई नर्व इंजरी नहीं है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग नर्व इंजरी इतना कुछ खास नहीं है। व्हेन नर्व एंड्स आर विजिबली अपार्ट, नर्व रिपेयर इज द ओनली चॉइस, ठीक है। इलेक्ट्रोमायोग्राफिक स्टडीज आर इम्पॉर्टेंट इन दिस। तो हम कैसे डिपेंड करते हैं, एज,
लोअर एज होगी ज़्यादा अच्छा होगा, टेंशन कम होगी, पुअर प्रोग्नोसिस होगा।